हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का ऑफिशियल मॉडल पेपर, जो कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। मैं आप लोग को बता दूं कि बिहार बोर्ड जो हर वर्ष एक अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी करता है, जिसमें से आपको लगभग 50% तो क्वेश्चन उसी से आते हैं। सो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए इस मॉडल पेपर को, क्योंकि यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन को मैं कवर करने वाला हूँ, ये आपको एग्जाम में लगभग 50% क्वेश्चन इसी से देखने को मिलेंगे। सो अगर आप लोग तैयारी नहीं भी किए हैं तो इस मॉडल पेपर के सहारे से आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर आप लोग कमज़ोर है, तैयारी नहीं कर पाए, आपके पास टाइम नहीं मिला है, तो एक बार इस वीडियो को पूरी तरह से देख लीजिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को पहले शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं इसका टाइमिंग जो है वो 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा, और उसमें जो टोटल जो अंक है 100 मार्क्स का है, जिसमें से आपको 60 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिएगा, जिसमें से आपको केवल मात्र आपको 85 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आपको 10 जो है एक्स्ट्रा के रूप में पूछा जाता है, तो आप लोग काफ़ी आसानी है मार्क्स को लाने में। चलिए क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन पहला, और यहाँ पे आपको बताते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया हो, तो आप लोग जो उसी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, जिस लैंग्वेज से आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, तो उसी लैंग्वेज में देखिए। पहला क्वेश्चन कि भारत में किस वर्ष आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगाया गया था। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए आपके सामने। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी 1975 को। कब लगाया था? तो 1975 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो संविधान संशोधन का प्रावधान जो दिया गया है वो अनुच्छेद 368 में दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, 368। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है कि संविधान का 42वां संशोधन किसके शासनकाल में पारित किया गया था। तो संविधान का 42वां संशोधन जो पारित किया था वो किया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया। तो विधि के शासन का प्रतिपादन जो किया था वो किया था डायसी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, डायसी। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख पा रहे होंगे, किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। तो ये आसान से क्वेश्चन का आपसे पता होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, यानी 1953, जो कि पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख पा रहे, भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी EMS नंबू दरीपाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ था। तो पता ही होगा आप लोगों को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी 1964 को उसका निधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 देख पा रहे, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है, या सॉरी कौन थे। तो इसके संस्थापक जो थे वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, नौका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख पा रहे होंगे, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसका जो गठन हुआ था हाल ही में हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, 2014 में हुआ था, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख पा रहे होंगे, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ। तो ये शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ था वो हुआ था 1972 को, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, 1972। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख पा रहे हैं, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। तो गरीबी हटाओ का नारा देने वाला था इंदिरा गांधी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 13 देख पा रहे होंगे, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, चिपको आंदोलन का मतलब जो नेता थे उसके संबंधित जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा है। क्वेश्चन नंबर 14 देख पा रहे होंगे, सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियमित हुआ। तो ये हुआ था 2005 को, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, 2005। क्वेश्चन नंबर 15 देख पा रहे होंगे, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। तो ये जो थे सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख पा रहे होंगे, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये जो किया गया था आयोजित, वो किया था बेलग्रेड में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, बेलग्रेड। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बेलग्रेड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख पा रहे होंगे, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो इसका विघटन हुआ था 1991 में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, 1991।
क्वेश्चन नंबर 18 देख पा रहा हूँ कि यूरोपीय संघ का अस्तित्व में यूरोपीय संघ कब अस्तित्व में आया। तो ये जो अस्तित्व में आया था 1993 को, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, 18 क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख पा रहा हूँ, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो काठमांडू में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पाए, क्वेश्चन नंबर 20 की बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जो है वो है कांशीराम, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, कांशीराम। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख पा रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो आसान से क्वेश्चन बताओ आप सभी को, द हेग है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देख पा रहा हूँ, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। तो 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, इसकी स्थापना जो भी 2000 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख पा रहे होंगे, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई। तो ये शुरू की गई थी 1991 को, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, 1991। क्वेश्चन नंबर 24 देख पा रहे, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। प्रथम जो आम चुनाव हुआ था वो हुआ था 1952 को, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, 1952। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन 25 की ताश्कंद समझौता कब संपन्न हुआ। तो ताश्कंद समझौता संपन्न हुआ था 1966 को, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, 25 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन नंबर 26 कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है। तो इसका राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, 26 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 28 देख पा रहे, पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो पता होगा आप सभी को, इमरान खान है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, इमरान खान। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख पा रहे, तृणमूल कांग्रेस किस राज्य का राजनीति दल है। तो ये जो है अभी पश्चिम बंगाल का राजनीति दल है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, तृणमूल कांग्रेस जो है वो कहाँ का राजनीति दल है, तो पश्चिम बंगाल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख पा रहे, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है। तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की बात करें तो ये हो जाएगा 5, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगर पूछा जाता है कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य है, तो उसका आंसर हो जाएगा 15। अगर पूछा जाता है कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है, तो वो हो जाएगा 10, अस्थायी 10, अस्थायी 5, और टोटल जो है वो कितने हैं, तो 15 है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे अस्थायी पूछा तो क्या हो जाएगा, ए 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख पा रहे, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये भी आने वाला है, यानी 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, 10 दिसंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर उसके बाद 23 देख पा रहे, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है। तो मनोनीत जो सदस्यों की संख्या है वो है 12 है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख पा रहे, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 35 देख पा रहे, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। तो इसका निर्माण भी उसी ने किया था, डॉक्टर अंबेडकर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 36 देख पा रहे, चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो ये जो है एक संवैधानिक संस्था है, जिसके बारे में संविधान में चर्चा की गई है, तो ये क्या हो जाएगा, एक संवैधानिक संस्था हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देख पा रहे, भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, यानी कौन है। तो इसका जो प्रधान जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, 37 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख पा रहे, भारत में कुल कितने राज्य है। तो भारत में जो कुल राज्य की संख्या की बात करें तो अभी करेंटली 28 है, बट इससे पहले 29 था और उससे पहले फिर 28 था, तो अभी फिर 28 हो गया है दोबारा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख पा रहे, न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है। सो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, संसद और राष्ट्रपति। सो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर राइट होगा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, फिर मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बता दूंगा कौन इसका आंसर सही दिया है। जिन्होंने पूरी वीडियो को देखा है तो आप लोग जल्दी इस वीडियो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख पा रहा हूँ, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। तो अभी जो करेंटली जो है बहुदलीय व्यवस्था है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, 40 क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देख पा रहा हूँ, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिया था वो दिया था जयप्रकाश नारायण, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 42 देख पा रहे, सार्क का स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1985 को की गई थी।
तब की थी तो 1985, तो यहाँ पे नीचे में ऑप्शन होगा, हाँ 1985 यहाँ पे दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख पा रहे होंगे, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो सौराष्ट्र जो है गुजरात का अंग है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 44 देख पा रहे होंगे, बिहार विधान परिषद के सांसदों की कार्यकाल क्या है? तो यहाँ पे सॉरी बिहार विधान परिषद के सदस्यों की कार्यकाल क्या है? तो इसकी कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 6 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख पा रहे होंगे, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो पता होगा आप सभी को, आसान सा क्वेश्चन है, भारत का, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देख पा रहे होंगे, कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 73 संशोधन, क्या होगा ऑप्शन नंबर सॉरी 73 पढ़ेंगे 74 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, कौन सा संविधान संशोधन शहरी है? तो वो हो जाएगा आपका 74वां संविधान संशोधन। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 तक पढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन है, मतलब कौन थे? तो ये जो प्रथम महासचिव जो थे वो थे यू थांट, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, यू थांट। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 तक पढ़ेंगे, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इसका जो प्रधान जो होता है वो होता है सरपंच होता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सरपंच। क्वेश्चन नंबर 49 देख पाएंगे, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो दूसरा जो किया गया था वो किया था 1998 को, और पहला किया था 1974 को, दूसरा कब किया था 1998। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए उसके क्वेश्चन 50 देख पाएंगे, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति पता होगा सभी को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्रतिभा पाटिल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देख पा रहे हो, किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था? तो जो जम्मू कश्मीर था इसका जो एक अपना संविधान था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख पा रहे, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो यहाँ पे एक रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1998। चलिए उसके बाद 50 क्वेश्चन की भारत की तो बता दिए आप लोगों को, किस भारतीय राज्य का अपना संविधान ये भी बता दिए। तो चलिए यहाँ पे सार्क का मतलब सार्क में कितने सदस्य देश है? तो सार्क में जो है टोटल अभी जो करेंटली जो 8 है, पहले कितने थे, 7 थे, लेकिन अब कितना हो गया, 8, बाद में श्रीलंका जुड़ गया है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देख पा रहे, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो ये जो बना था 1945 को बना, यानी जब मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी उसी समय जुड़ गया था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और उसी समय भारत जुड़ गया था। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 54 देख पा रहे होंगे, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 55 देख पा रहे होंगे, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? तो मंडल कमीशन मतलब मंडल आयोग की सिफारिश को किसने लागू किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर, चलिए उसके क्वेश्चन नंबर अगला देख पा रहे हैं 56वां, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये आसान से क्वेश्चन पता होगा आप सभी को, ए ओ ह्यूम थे, यानी इस क्वेश्चन आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देख पा रहे, किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायत में आरक्षण प्रदान किया गया? तो संविधान का जो है 73वां संशोधन, यानी इस 73वां संशोधन, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया हुआ, 73वां संशोधन, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 73वां संशोधन द्वारा क्या गया है, महिलाओं को पंचायती राज में महिलाओं को पंचायत में आरक्षण प्रदान किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देख पाओगे, यूरो निम्नलिखित में किसकी मुद्रा है? तो यूरो जो है वो यूरोपीय संघ की मुद्रा है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, यूरोपीय संघ। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देख पाओगे, निम्न में से कौन सा एक देश नहीं है? तो यहाँ पे बताओगे आपको भारत चीन सब देश है, यहाँ पे हांगकांग जो एक देश नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, हांगकांग। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देख पाओगे, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होना चाहिए, यानी भारत का जो है शायद भारत का ही है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, भारत का। तो यहाँ पे हम लोग क्या है 60 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्ट क्वेश्चन की, सब्जेक्ट कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और किस तरह क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को मैं आंसर नहीं दूंगा,
केवल आपको सब्जेक्ट को आंसर दिखा दूंगा किस तरह का आंसर है। अगर आप लोग आंसर चाहते हो तो वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं इसका आंसर बनाने की कोशिश करूंगा, जिसको आपको पीडीएफ के रूप में आपको दे सकता हूं आंसर, और साथ में मैं उसका एक्सप्लेन भी करूंगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, संविधान यहां पे बता देता हूं आप लोग को नियम कि इसमें जो है आपको टोटल जो है 27 क्वेश्चन पूछेंगे, 127 पूछेंगे, जिसमें से आपको टोटल जो है केवल 15 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, और जो प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा आपको 2 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। तो टोटल मार्क्स रहेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 मार्क्स हो जाएगा। तो 30 मार्क्स के जो है 2 मार्क्स वाले आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखिए संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है इसके बारे में बताना है। फिर क्वेश्चन दूसरा है कि निम्नलिखित संविधान लिखित संविधान का क्या अर्थ है, मतलब लिखा हुआ संविधान का क्या मतलब है। फिर क्वेश्चन तीसरा है कि मौलिक अधिकार की परिभाषा दें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं। क्षेत्रवाद का मतलब होता है किसी अपने क्षेत्र से लगाव, जिसको भी उसी हम क्या कहते हैं क्षेत्रवाद कहते हैं। तो आप लोग एक्सप्लेन मतलब बढ़िया से किताब से ढूंढ सकते हैं, या फिर मैं आपको बता दूंगा बाद में इसका जब एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो चलिए फिर दूसरा है कि द्विध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं। मैं बना चुका हूँ पहले से एक बार, तो काफ़ी सब आपके स्मृति पेपर में आ चुका है। मैं इससे पहले जो सब्जेक्ट क्वेश्चन बनाया था उसी में से मैं कवर कर चुका हूँ सब क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन है कि मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं। फिर क्वेश्चन सातवां है कि भारतीय प्रधानमंत्री किन्हीं 4 अधिकारों को लिखे हैं, मतलब भारतीय जो प्रधानमंत्री उसके क्या क्या अधिकार है, केवल 4 ही अधिकार को आप लोग को लिखना है, ऐसे बहुत अधिकार दिए हुए हैं उसको। क्वेश्चन 8 के क्षेत्रीय दल से आप क्या समझते हैं। क्षेत्रीय दल का मतलब तो किसी एक निजी क्षेत्र से लगाओ। चलिए अगला क्वेश्चन 9 देख पा रहे हैं, सुरक्षा परिषद में निषेध अधिकार क्या है, मतलब निषेध अधिकार जो होता है उसका क्या मतलब होता है। क्वेश्चन 10 के जल प्रदूषण के कौन से कारण है। 11 क्वेश्चन के शिमला समझौता का क्या महत्व है बताएं उसके बारे में। आर्थिक न्याय क्या है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य थे। दक्षेस क्या है, मतलब दक्षेस जो एक सार्क है वो क्या है। चलिए क्वेश्चन देख पा रहे गुट निरपेक्षता आंदोलन का क्या अर्थ है। उसके दिया है भूमंडलीकरण क्या है। फिर है पंचायत समिति के प्रमुख के क्या कार्य होते हैं, पंचायत समिति के जो प्रमुख होते हैं उसका क्या काम होता है। फिर अगर नगर पंचायत के किन्हीं 3 कार्यों को वर्णन कीजिए। राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार क्या है, जब आपातकालीन किया जाए तो राष्ट्रपति का क्या क्या अधिकार होता है, वो क्या क्या कर सकता है। फिर क्वेश्चन 20 के पर्यावरण संरक्षण क्या है, मतलब पर्यावरण को बचाना क्या करते हैं, पर्यावरण संरक्षण कराते हैं। फिर है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, मतलब इसका जो नियुक्ति करने वाला होता है कौन करता है। फिर क्वेश्चन 22 की राष्ट्रपति शासन, मतलब राष्ट्रपति शासन क्या होता है। तो राष्ट्रपति शासन जो वो होता है जब आपातकाल लग जाता है देश में, तो उस समय जो है राष्ट्रपति का शासन हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन कहते हैं। फिर क्वेश्चन की एकल नागरिकता से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन की संघ सूची क्या है। फिर अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण की परिभाषा दीजिए। उसके बाद है कि लोकहित याचिका क्या है। फिर अगला क्वेश्चन है कि समानता का अधिकार से आप क्या समझते हैं, मतलब समानता का अधिकार मतलब सभी को समान हक देना। फिर आप आते हैं अगले 9 क्वेश्चन की तरफ, जहां पे आपको टोटल जो 8 क्वेश्चन पूछेंगे, कितने पूछेंगे 8, जो कि 28 से 35 तक रहेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन को आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, और जो कि टोटल जो मार्क्स रहेगा 20 इधर और ऊपर 30, 20, 50। देखिए यहां पे है 5वां क्वेश्चन में कि गठबंधन की राजनीति से आप क्या समझते हैं। फिर है कि गुट निरपेक्षता आंदोलन से मैं भारत की नीति का परीक्षण कीजिए। फिर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है। अगला क्वेश्चन कि बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका का वर्णन करें। फिर है कि लोकसभा के अधिकार एवं कार्यों का वर्णन करें। भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों का मूल्यांकन करें। भारतीय राजनीति में कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या मुख्य कारण थे। फिर है कि भारत पाक संबंध पर संक्षिप्त लिखें। तो यहाँ तक 35 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं सब्जेक्ट क्वेश्चन। तो मैं इस वीडियो में आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट दोनों का मैं बता चुका हूँ किस तरह किसका आंसर लिखना है आप लोग को। अगर आप लोग सब्जेक्ट क्वेश्चन का आंसर बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मॉडल पेपर मैं बनाऊंगा उसका सोल्यूशन आप लोग को इस चैनल में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो आपको कोई भी मॉडल पेपर छूटे नहीं, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर करना ताकि उसको भी फायदा हो जाएगा। तो आपके स्क्रीन पर अगर कोई भी वीडियो आ रहा है तो आप लोग वीडियो को देख लीजिए। जब तक के लिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले नए वीडियो में नए मॉडल के सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।